पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा विकास पर ध्यान न देकर झूठे राजनीतिक कार्यक्रम पर पैसा बर्बाद कर रही है। इस मामले पर भाजपा ने कमलनाथ पर जुबानी हमला बोला है। कमलनाथ के सरकार के झूठे प्रचार प्रसार वाले विवादित बयान को लेकर भाजपा प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया ने पलटवार किया है। सिसोदिया ने कहा कि जो जैसा करता है उसे वैसा ही दिखता है। कमलनाथ अगर विकास कर रहे थे तो 15 महीने की सरकार में भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को क्यों बंद कर दिया गया था? सरकार विकास कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी प्रदेश की जनता से वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। जब कमलनाथ जी कांग्रेस की सरकार के रूप में मुख्यमंत्री के रूप में 18 महीने मध्य प्रदेश में थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही थी उनको बंद करके और झूठा प्रोपोगंडा करने का काम किया और आईफा जैसे अवार्ड कराने में वो लग गए थे। तो उन्होंने जो किया उन्हें वही दिखता है। वास्तविक में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। गरीब कल्याण के महाअभियान और विकास के कार्यों के माध्यम से आज हम जनता के बीच में फिर से हैं और जनता हम पर विश्वास कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि हमने जो कहा उसको करने का काम किया और उसी विश्वास के दम पर हम फिर से चुनाव जीत के आए हैं और विधानसभा के बाद में अब लोकसभा के चुनाव भी हम 29-29 जीतेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।